नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान जी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज हमारा फोर्थ पार्ट फोर्थ है जिसमें और हम आर्ट और कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और मित्रों बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। उससे पहले पता लेना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करें, जिससे वीडियो के बारे में आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बढ़ते हैं आगे पहले क्वेश्चन की ओर। वे लोक देवता जो धनवान हो अंग्रेजों से धन लूटकर गरीबों में बांटते थे, तो वो थे मित्रों डूंगर जी व जवाहर जी। नेक्स्ट है, अभेड़ा महल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये मित्रों चंबल नदी के किनारे स्थित है और कोटा के अंदर, और यहाँ पे पर्यटन स्थल का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन से लोक देवता की याद में चरवाहों को भोजन करवाया जाता है, तो मित्रों देव बाबा जो गुजर जाति के आराध्य देवता हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कालबेलिया स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये किया जाता है मित्रों बांगड़िया नृत्य। नेक्स्ट है, दादू पंत के सत्संग स्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है मित्रों अलख दरीबा के नाम से। नेक्स्ट है, शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग को शरीर के किस अंग की संज्ञा दी गई है, तो मित्रों ये दी गई है हाथ की संज्ञा। नेक्स्ट है, भवाली या बोली नृत्य किस नृत्य के अन्य नाम है, तो मित्रों ये मोहिली नृत्य के अन्य नाम है और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, और इसका जो प्रमुख स्थल है इस नृत्य का वो है दारियावत कांथल क्षेत्र प्रतापगढ़ के अंदर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में चित्तौड़ों की ओरी का निर्माण किसने करवाया, तो मित्रों यह करवाया था महाराणा जगत सिंह प्रथम ने, और इस चित्तौड़ों की ओरी का अन्य नाम है तस्वीरारो कारखानों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरगढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम है, तो मित्रों शेरगढ़ दुर्ग है ये धौलपुर दुर्ग का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है, कौन से चित्रकार भिलो के चितरे के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये मित्रों है गोवर्धन लाल। ठीक है, बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था, तो तेजा जी की घोड़ी का नाम था मित्रों लीलन। नेक्स्ट है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे, तो वो थे मित्रों वल्भाचार्य। ठीक है, नेक्स्ट है, रनेला किस लोक देवता की सिद्धपीठ है, तो ये मित्रों कल्लाजी राठौड़ की, मैंने स्टोरी सहित बताया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, जोधपुर की पुष्पा व्यास का संबंध किस नृत्य से है, तो मित्रों है भवाई नृत्य से। ठीक है, इन्होंने बहुत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त की इस नृत्य के। ठीक है, नेक्स्ट है, केसर काल में किस लोक देवता की घोड़ी का नाम था, तो मित्रों केसर काल में बाबूजी राठौर की घोड़ी का नाम था। नेक्स्ट है, रामकिशन सोलंकी किस वाद्य के प्रमुख कलाकार हैं, तो मित्रों हैं नंगड़ा वाद्य के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट है, खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मित्रों ये कहा जाता है सदीक खा मीरासी को। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था करना बिल के बारे में, तो मित्रों करना बिल है। ठीक है, ये नड वाद्य के अंदर निपुण है, और भपंग का जादूगर ये कहा जाता है जहूर खा मेवाती को। नेक्स्ट है, बाबूजी राठौर की पत्नी का नाम, तो मित्रों ये फूलम दे। ठीक है, और इनको सुप्रिया दे सोडी के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद्य को प्राचीन काल में दूर की प्राचीर पर रखकर बजाया जाता है, तो मित्रों वो था टामक। ठीक है, ये बड़ा लंगड़ा था, ये मैंने बताया हुआ है पहले। चरणदासी संप्रदाय के लोग कितने नियमों का पालन करते हैं, तो ये करते हैं मित्रों 42 नियमों का। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन फड़, सबसे लंबी फड़, सर्वाधिक प्रसंगों वाली फड़ किस लोक देवता की है, तो ये मित्रों देवनारायण जी की। नेक्स्ट है, कटारगढ़ में स्थित जाली रानी का माल्या का निर्माण किस शासक की रानी ने करवाया था, तो ये करवाया था मित्रों महाराणा उदय सिंह की रानी ने। नेक्स्ट है, रुकनुद्दीन का संबंध राजस्थान के किस चित्रशैली से है, तो मित्रों ये बीकानेर चित्रशैली से। ठीक है, अन्य जो चित्रकार हुए वो थे अली राजा, उस्ता हामिद, शाह मोहम्मद हसन और रामलाल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ चित्रशैली में किस रंग की प्रधानता रही है, तो ये रही मित्रों गुलाबी व सफेद रंग की। ठीक है, और मित्रों जोधपुर के अंदर पीले रंग की प्रधानता रही, मेवाड़ के अंदर लाल रंग की प्रधानता रही,
कोटा के अंदर नीला रंग की प्रधानता रही, ठीक है, और जयपुर चित्रशैली के अंदर हरे रंग की प्रधानता रही। नेक्स्ट है तेजाजी की माता का नाम, तो मित्रों ये था राजकुंवर या फिर राजकुंवरी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला के विकास हेतु चितेरा और दोहरा संस्थाएं कहाँ पर कार्यरत हैं, तो मित्रों ये हैं जोधपुर के अंदर कार्यरत हैं। नेक्स्ट है जोधपुर के किस शासक ने कर्नल टॉड़ को मारवाड़ का इतिहास लिखने में मदद की थी, तो ये की थी मित्रों महाराजा मान सिंह राठौड़ ने। नेक्स्ट है निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो ये थे मित्रों हरिदास जी, जिनको कलयुग का वाल्मीकि भी कहते हैं। नेक्स्ट है किस संत ने भूंगल पुराण नामक ग्रंथ की रचना की, तो ये मित्रों की थी संत मावजी ने, और ये निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार कहानी लेखक और कवि रुडयार्ड किपलिंग जब बूंदी आए थे तब वे कहाँ रुके थे, तो ये रुके थे मित्रों सुख महल के अंदर। नेक्स्ट है दुल्हन की विदाई के समय उनकी सहेलियों के द्वारा अपने हाथों की छुड़ियां बजाते हुए कौन सा नृत्य किया जाता है, तो मित्रों ये नृत्य क्या है खारी नृत्य जो अल्लर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है उटाला का किला किस दुर्ग का प्राचीन नाम है, तो ये मित्रों वल्लभगढ़ उदयपुर का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है राजस्थानी चित्रकला में मुख्यतः किन रंगों का प्रयोग हुआ है, तो मित्र ये हुआ है पीले व लाल रंगों का। नेक्स्ट है जैसलमेर के पहले साके के समय जैसलमेर का राजा कौन था, तो ये थे मित्रों मूलराज बाटी। देखते हैं और क्वेश्चन के बारे में, किशनगढ़ अजमेर में गुजर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो ये मित्रों छड़ी नृत्य, कौन सा छड़ी नृत्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी की ओल्डी जो गोगा जी का एक अन्य पूजा स्थल है कहाँ पर स्थित है, तो ये मित्रों सांचौर जालौर के अंदर। गोगा मेडी के मुख्य द्वार पर क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है मित्रों बिस्मिल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट राजस्थान में पांच छेद वाली बांसुरी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है मित्रों पांच छेद वाली को पावला, छह छेद वाली को रुला। नेक्स्ट है गोगा जी की याद में गोगा मेडी हनुमानगढ़ में प्रतिवर्ष किस तिथि को मेला लगता है, तो ये लगता है मित्रों भाद्रपद कृष्ण नवमी को। नेक्स्ट है कथक का आदिम घराना कहाँ से संबंधित है, तो मित्रों ये जयपुर से, ठीक है। नेक्स्ट है शांति का संबंध किस नृत्य से है, तो मित्रों ये है चक्री नृत्य से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जसनाती सिद्ध रुस्तम जी ने किस मुगल बादशाह को पर्चा दिखाया, तो ये दिखाया था मित्रों औरंगजेब को, ठीक है। नेक्स्ट है कौन से लोक ज्ञाता शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, तो मित्रों ये थे हड़भू जी। देखते और निम्न में से किस चित्रकार ने राणा अमर सिंह फर्स्ट के समय चावंड में रागमाला के चित्रों का निर्माण किया, तो ये क्या मित्रों निसारदीन ने, ठीक है। सब मित्रों मैंने डिटेल से समझाया हुआ है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में रूपनाथ जी की किस रूप में पूजा की जाती है, तो ये की जाती है मित्रों बालकनाथ के रूप में। नेक्स्ट है राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है मित्रों कुंदरलाल मिस्त्री को। नेक्स्ट है गागरौनगढ़ दुर्ग में स्थित भगवान मधुसूदन का भव्य मंदिर किसने बनवाया था, तो ये बनाया था मित्रों राव दुर्जनसाल ने। नेक्स्ट है बाबूजी राठौर की माता का नाम, तो बाबूजी राठौर की माता का नाम कमला दे और पिताजी का नाम धांदल जी राठौर। नेक्स्ट है किस दुर्ग में जमीन के जेवर की उपमा दी गई है, तो जूनागढ़ को, ठीक है, और इसकी आकृति है चतुष्कोणीय। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के दुर्ग पर दूसरा हमला कब किया, तो ये किया मित्रों 1310 ईस्वी के अंदर। बीकानेर के किस शासक के काल में बीकानेर शैली का समृद्ध रूप देखने को मिलता है, तो ये मित्रों राजा अनूप सिंह के काल में। नाहरगढ़ में स्थित एक जैसे 9 महलों का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो ये करवाया था मित्रों सवाई माधो सिंह ने। नाथद्वारा शैली में कृष्ण के कौन से स्वरूप का चित्रण मिलता है, तो ये मिलता है मित्रों कृष्ण यशोदा के। शेख सलीम चिश्ती किसके शिष्य थे, तो ये थे मित्रों हजरत शकर बाबा पीर। नेक्स्ट चंद्रमहल सिटी पैलेस में गोविंद जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो ये करवाया मित्रों सवाई जय सिंह ने। फलकुबाई का संबंध किस नृत्य से है, तो ये मित्रों छड़ी नृत्य से। नेक्स्ट है चक्री नृत्य को पूरे विश्व में किसने प्रसिद्धि दिलाई, तो ये दिलाई मित्रों रशीद अहमद पहाड़ी ने। उदयपुर में चित्रकला के विकास के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है, तो ये मित्रों तुलिका कलाकार परिषद कार्यरत है। नेक्स्ट है निम्न में किस वाद्य का प्रयोग
काल बेलियों व जोगियों में सर्वाधिक होता है तो ये होता है मित्रों खंजरी का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गुदर संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो गुदर संप्रदाय के प्रवर्तक थे संत दास जी और इनकी जो प्रमुख गद्दी है वो है दातड़ा बिलवाड़ा। नेक्स्ट है मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है मित्रों राव मालदेव को। शुक्र नीति के अनुसार सभी दुर्गों में सबसे श्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है, तो ये मित्रों सैन्य दुर्ग। नेक्स्ट है कौन सा नृत्य एकमात्र शोक का सूचक है, तो ये मित्रों घुमर घुमरा नृत्य, ठीक है, जो वागड़ के ब्राह्मण समुदाय में प्रचलित है। नेक्स्ट है भटने दुर्ग किस दुर्ग का प्राचीन नाम है, तो ये मित्रों हनुमानगढ़ के किले का। नेक्स्ट है वीर कला रायमलोद की वीरता और उनकी पत्नी हाड़ी रानी के जोहर की घटना किस दुर्ग से संबंधित है, तो ये मित्रों सीवाना दुर्ग से। शाह मोहम्मद नामक चित्रकार बीकानेर के किस शासक के राज दरबार में मुख्य चित्रकार में से एक थे, तो वे थे मित्रों गज सिंह। मेवाड़ में राजस्थान में चित्रकला का उद्गम कहाँ माना जाता है, तो मेवाड़, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मित्रों जिनके बारे में मैंने आपको बताया, और भी क्वेश्चन मैं लाता रहूंगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।